हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई मैं उठ के कपड़े वॉश करने लग गई हूँ। तो देखो भाई, कपड़ों में कितनी गांठ लगी हुई है, इतना बुरा हाल हो रखा है। देखो, दिखाती हूँ। सुबह मॉर्निंग में पानी आने लग गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें रात को धो के छोड़ देती हूँ, सुबह मॉर्निंग तक फिर खिंगाल दूंगी। देखना भाई, देखो गांठ, देखना भाई, देखो इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है। मेरे से तो ये हुई नहीं रहे, सूरज ही नहीं रहे। इतनी देर हो गया, मेरे को लगा इतने टाइम हो गया। देखना भाई, बहुत टाइम से इन्हें करने की कोशिश कर रही हूँ मैं तो। इससे तो अच्छा बंदा हाथ से ही कपड़े धो ले अगर मशीन में भी। भाई पता नहीं, हमारी घर वाली में तो कभी नहीं हुआ ऐसे जो बुरी हालत। देखना भाई, बिल्कुल वो तो मैंने सुलझा दिए हैं, नहीं तो वो भी ऐसे ही थे। भैया आपके मशीनों में भी इतनी बुरी हालत होती है, देखना बिल्कुल ही गांठ कटीले हुए पड़े हैं सब कुछ। हाँ दे तो भैया हाथ ही नहीं मेरा लेते हैं सुलझाने में। भाई मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। भाई मेरे तो हाथों में पहले ही पेन है, वो रोने लग गया सुलझा सुलझा के, और अभी तो एक खिंगाल नहीं है पानी से। भैया ताजा पानी भी नहीं आया, वरना डेली पानी आता था। आज मैंने कपड़े वॉश कर दिए तो वो भी नहीं आया। तो भाई जल्दी खिंगाल के सुखा देती हूँ मैं फटाफट से, फिर दिखाती हूँ आगे। तो भाई ये मैंने कपड़े सारे खिंगाल के रख दिए, मशीन मैंने वॉश कर दी, लाइट है नहीं भाई कि भाई मैं इन्हें वो कर दूँ। देखो भाई सुबह सुबह उक्का पी के गए, देखो आग दिखाते हैं उसमें। इनका तो सुबह उठते ही भाई ये स्टार्ट हो जाता है। हाँ भाई अभी गर्म है, ये कपड़े रह गए हैं भाई। कपड़े भाई कितने ही वॉश कर लूँ फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। अभी भी इतने वॉश किए और फिर भी कहीं देख लो वहीं कपड़े मिलेंगे भाई। पूरे दिन में पता नहीं भाई कितनी तो ड्रेस निकालते, दो का पता नहीं इनकी, तीन का पता नहीं भाई। सच्ची हमारे घर भी नहीं होता इतना काम, हम सात बंदे हैं जितना यहाँ लगता है मेरे को। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं होता इसके कंपैरेटिव तो। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे तो मैं पता नहीं कितने बड़े परिवार में काम कर रही हूँ। ये देखो भाई चाय भी निकली हुई है, देख लो ये है भाई, दूध है दूध निकला मिलता है, चाय है चाय निकली मिलती है। ये गैस पे देखो भाई ये चीटी आ जाती है, फिर इसके नीचे देखो भाई क्या बुरी हालत हो रखी है। दिख रही होगी आपको कंडीशन भाई। और मैं डेली खाना खाने बनाने के बाद भी साफ करती हूँ, डेली साफ करती हूँ। मेरा ये रूल नहीं है कि एक दिन तो इन्हें हटा के सब कुछ मांझ के चकाचक और दूसरे दिन ये हालत। मेरा ये रूल है भी मैं खाना बना के डेली साफ करती हूँ। अब सुबह की रात के मैंने ये बर्तन साफ किए हुए थे, अब इनको मैं लगाऊंगी। जो मैं रात का जैसे छोड़ के गई हूँ बिल्कुल सेम रहता है पैटर्न। तो अभी देखो भैया रात की रोटियाँ बची हुई हैं, इन्हें मैं ही निकालूंगी छानना वगैरह, क्योंकि ऐसे स्मेल हो जाती है और मैं ही इसे मांजूंगी, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही रखा रहेगा। अभी मैं इसकी सफाई करूंगी। टैबलेट ये भाई जो मैं उस हकीम के पास से, हकीम तो क्या बोलते हैं, मैं लेके आई थी वो मैंने देखो ये ले ली है अपनी खाली पेट वाली। अब मेरी रहेगी खाना खाने, भाई अभी खाने का तो बहुत दूर का टाइम है, अभी तो मेरे को सारा काम करना होता है पहले, और शक्ल भी संवारने भाई, अभी तो नहाना है मेरे को, फिर देखते हैं खाने का। कुछ लगा के जाऊंगी, कुछ काट के जाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो भाई ये बन रही है मेरी मदर इन लॉ की चाय, साथ में पापा जी का हॉस्पिटल लेके जाना है, दूध वो रहा है गर्म, ये मूलियाँ रखी, धनिया, ये मम्मी जी भाई सब्जी में से मिर्ची निकाल रही थी, ये मैंने थोड़ी अदरक क्रश कर दी है कि अदरक का फ्लेवर अच्छा आएगा, और ये धनिया, ये मूली, मूली कम थी तो भाई इसलिए मैंने धनिया भी मिला दिया। अब इसे फटाफट से छील दी ये मैंने। तो ये मैंने धनिया चॉप कर दिया भाई छोटा छोटा, क्यों धनिया का फ्लेवर अच्छा आएगा इसमें।
क्योंकि ये थोड़ी थी तो मैंने मिक्स कर दिया धनिया और ये। तो देखो भाई ये मैंने कस के रख दी है, अब मैं इसे निचोड़ लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि पानी रहेगा तो पराठे अच्छे नहीं आएंगे। तो ये देखो भाई ये बिल्कुल ड्राई हो गई है, अब मैंने निचोड़ दी, देखो आपको दिख रही होगी बिल्कुल सूखी सूखी है। धनिया भी मैंने निचोड़ दिया, थोड़ी सी पानी निकला। अब मिर्च चॉप करती हूँ, ये हो गई भाई मिर्च चॉप। इसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च और ये आटे में भी हल्दी नमक डाला है ताकि भाई बीमार आदमी में वैसे तो खाता। तो गाइस मेरा लग के तैयार हो गया आटा, इसे मैं कर देती हूँ कवर अप। हल्दी वाला आटा है भाई, वैसे तो कोई हल्दी खाता नहीं है बट बीमारी में भी अच्छी होती है, वैसे भी खानी चाहिए। और ये मेरी स्टफिंग, इसे मैं कर देती हूँ एक साइड। देखो भाई अभी ये डोली में दूध आया था तो ये ऐसे ही है, इसे बाद में साफ करूँगी। और ये रह गया इधर, ये अभी भाई फ़िलहाल के लिए ऐसे ही कर देती हूँ कि रोटी वगैरह बना के फिर सारा स्लिप कर दूँगी साफ में। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे वो किया था। और भाई मेरा देवर आ गया है ना, धोके देख ले भाई, छुट्टी है आज नहीं, किस चीज हाँ। की विश्वकर्मा डे आज और की है, चल कुछ तो पावेगा, गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दी भाई, बढ़िया बात है भाई। ये दे मेरा पानी डाला है ना गर्म, क्यों मेरा है हाथ में दर्द ही भी चूल्हे पर, और दूसरा पानी रखेगा अपने भाई थी है ना, रे रख देगा ना, देख ले भाई नू तो मेरा देवर बढ़िया है, नू तो काम कर दे है। देख ले पीछे के लिखवा रहे दिखाइए, ओहो आर्मी की टी शर्ट डाल दे है, लग गया आर्मी में तू लग गया हाँ, थोड़ा सा ही रख दे, रख दे बस रख दे चूल्हे पे। दे भाई नू तो मेरी है, इधर तो आजा कि जाई बे, बे ये तो दर्द दे बाल्टी ऊपर हाँ, दे भाई नाट गया रे, आजा 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 ना भाई पद्दू ना बनाती, मेरे दर्द हो रहा है ना, तो मैं आपे ना ले जाया करती डेली, मैं ना नू ना ठाती, मैंने घनी दिक्कत हो जाएगी हाथ में, आराम तो आराम तो गिराइए मना गिराइए मना गिराइए मना। भाई मेरा देवर ले गया है पानी, मेरा रखा होगा ये ऊपर, इतने में इन कपड़े हम देखो भाई मन ला गए, वो तो आवे नहीं भाई, ये मशीन में सुखाने सुखाने रह रहे हैं, मैं सोचू इसने ऊपर ले जाऊं नू है, क्योंकि भाई इतनी मशीन का तो एक भेद नहीं, मैंने लाइट का, लाइट आओगी 11 बजे। क्यों गया पानी है क्या, मैंने तो सड़कवा दे तो ठीक कपड़े नहीं, मेरे सूट भाई कलर के कपड़े हो, वे वाले सूट वे मशीन के कपड़े धुले हो गए भाई, ये मैं धोया करो हाथ है, मैंने रात ने डिप कर दिए थे। और देखो भाई सूट ने बहुत कलर कम छोड़ा है, तो ये सूट इसका मतलब बढ़िया है ना, तो आजकल के कपड़े भाई जब ये कलर छोड़ते हैं बहुत गंदा काम हो जाए है, कितने महंगे कपड़े दिया भाई जब ये कलर छोड़ छाड़ के जाते हैं, तो भाई मैं ये भी नहीं धोकर सुखा दूंगी अपने कपड़े, नहीं मेरा रखा गर्म पानी, फिर मैं नहाऊंगी और फिर भाई अपना आगे का दिखाऊंगी, साफ सफाई करूंगी फिर कमरे की, कमरा दिखा दे शुभम कैसा है अपने भाई ने मेरा, भाई मेरे कपड़े का ही हो गया पूरी हालत है, कपड़े धो के भाई मैं उनके सुबह नीचे चली जाया करूँ, कई बार ऐसा एक फोल्ड कर दो कई बार नहीं करती, डबा दी उधर थे शुरू, तो भाई इस वजह से तो मेरा रूम ठंडा पड़ा है, तो उसके बाद मैं करूँगी ये कपड़े धो के, क्योंकि हम भाई नहा के निकले हैं तो ये हमारे सारे पैड पैड हो जा भाई सारे एरिए में, पोछा लगाना लगा भाई घर पर हो जाए, इस वजह से मैं ये कपड़े धो के फिर मैं नाक है फिर पहले सफाई भी कर दूंगी, झाड़ू झाड़ू कर दो तो आवाज में लगा दूंगी भाई। तो भाई ये मेरे धुल गए बस कपड़े, ये रह गए पानी में तो निकाल लें, फिर भाई आकर दिखाओ नहीं तो
तो भाई मैंने यह कर दिया देखो बेडशीट ठीक। बाइकल या पिल्लो का बीच का निकल गया, इसका भाई कई दिन तक निकला था, इस वाले का निकल गया। ये भी स्नान करेंगे ठीक आज थोड़ी देर बाद, वही पे तो हम काम कर ले पहले। देखो भाई एक पिल्लो में गति ज्यादा है, एक में कम है, क्योंकि एक भाई नू भी को एक ज्यादा लगा हुआ है, हमें एक कम लगा हुआ है। भाई इस रजाई का तो मेरे समझ में ही नहीं आया, इसका स्तर मेरे काबू तो बाहर है। इसे फिलहाल के लिए ऐसे रख दूं, और यह है बोतल पानी वाली, पहले इसे कर दो भाई साफ डस्टिंग। इसके ऊपर भी भाई बहुत से गंद हो जाए हैं। ये देखो भाई ये दोनों साइड से निकल के पिल्लो के कुशन के हैं, दो कितना ही साफ कर लिया, टेबल फिर गंदा हो जाते हैं। ओ मार लिए पुलिस भाई, पॉलिश तक खराब हो जा। अब न्यूज पेपर तो भी करूँ हूँ, कई बार ऐसे कर दू हूँ सिंपली, भी थोड़ी डस्टिंग। अब भाई नीचे रखना ये सेफ नहीं है, तो ये हो गया मेरा भाई इधर ही कॉलर कर दू साफ। तो भाई निकाल देवे हम झाड़ू, तो भाई ये मेरे हैं प्रेस के कपड़े रखे। देखो भाई कितनी बुरी तरह प्रेस करी ना करी बराबर ही हो जावा है, क्या आते कपड़े भी डाल जाओ भाई यहाँ पे। इन्हें भी अब देखूंगी करूंगी मैं बढ़िया तरह। भाई देख बाल बाल हो गए हैं कितने रूम में, कितने साफ कर लियो, फिर भी बाल ऐसे हो गए हैं जैसे तो हम साफ सफाई करते नहीं। तो मिलती हूँ गाइस नहाने के बाद, तब तक मैं सफाई कर लूँ अपनी, फिर नहाने के बाद मिलती हूँ और दिखाऊंगी कि आज मैं क्या डालूंगी, कौन सी ड्रेस वेयर करूंगी। तो दिखाती हूँ नहाने के बाद। तो भाई मैंने वो चार पहने मार दिया, क्योंकि भाई को शूट करने वाला होता नहीं, इसके वजह से मारना पड़ा है, बिल्कुल किचड़ हो गया है, थोड़ा सा पानी पी जाए यहाँ, इस वजह से किचड़ हो गया बोलना। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं कर लेती हूँ फेस का, बाल मैंने कॉम कर लिया, अब हेयर स्टाइल कुछ देखती हूँ बनाऊंगी क्या। तो भाई आज तो बिल्कुल बॉडी में पेन हो रहा है, देखो भाई इतने सारे कपड़े धो के पेन तो होना ही था। तो भाई देखो आज मैंने सारे कपड़े सुबह सुबह वॉश हो गए हमारे, ये देखो भाई सारा यहाँ भी पोछा लगा दिया, मेरे बाल इतने हो रहे हैं बस पूछो मत, जगह जगह ये प्लांट्स में पानी भी दे दिया, ये हमारा मनी प्लांट है भाई, इसका पता नहीं ग्रो होगा नहीं होगा, देखते हैं इसे भी। और ये इधर हमारी तुलसी मैया, इसको भी मैंने पानी दे दिया, और देखो भाई कितनी ग्रीनरी फ्रेश फ्रेश लग रही है बिल्कुल। वो मेरे जो हैं जो कि उसके लिए थे फास्ट के थे, ये हमारी तुलसी मैया भाई पता नहीं क्यों सूखी है, इसके साथ रह के भी इतनी ग्रीनरी और इतना सूखापन, अभी शायद ये छोटी छोटी उग रही हैं भाई तुलसी इसके साथ में। और देखो भाई यहाँ से मैंने बिल्कुल कर दिया है क्लीन, ये उनके शूज़ का वॉश कर दिए थे मैंने कल, तो ये देखो भाई मैंने सारा रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया और अच्छे से लगा दिया। और भाई इसका मेरे को समझ नहीं आता, बिल्कुल एक तरफ हो जाता है डेली, और मेरे हाथ में पेन है तो अभी मेरे से होता नहीं है। वो मेरी साड़ियाँ रखी सारी,
और वो मेरे प्रेस वाले उधर कपड़े रखे उन्हें भी उठाऊँगी वहाँ से, क्योंकि अभी वही रूम में कहीं फिटिंग नहीं है ना कि कहीं रख लूँ, और अलमारी में भी वही बहुत सारा सामान भरा पड़ा है। अभी हैंगर सिर्फ ओनली फॉर ये है वन है कि भी मैं हैंगर वगैरह में लगा दूँ, तो इसलिए अभी लानी है कुछ चीज़ें हमारी। देखो भाई अंदर भी रखे हैं पिल्लो, क्योंकि पिल्लो का कवर नहीं मिल रहा, और ये मैंने डाला है आज, ये वाला सूट वेयर किया है मैं, मेरे को इसका सबसे अच्छा डिज़ाइन लगता है ये नीचे वाला, देखो ये मस्त लगता है बिल्कुल नीचे की तरफ ये, बट हैवी भी हो जाता है अगर इसका नीचे वो है, और गले पे इसका सिंपल सोबर ये है, और इसकी बाजू इस टाइप की है भाई, जो कि ये कपड़ा भाई फटने का बहुत डर रहता है बाजू साइड से, और नीचे है इसके देखो ये इतना बड़ा फ्लील प्लाजो देखो भाई। तो अभी मैं मेकअप करके रेडी होती हूँ, ये मेरा मंगलसूत्र भाई पहले मैं इसे डाल लेती हूँ, क्यों रात को निकाल देती हूँ मैं, रात को ऐसे होता है। और सोच रही थी भाई इयर रिंग चेंज करूँ, बट अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्यों टाइम नहीं है, तो अभी फाइनली लुक दिखाती हूँ मैं आपको रेडी होने के बाद। ये भाई मैं न्यू पैलेट लेके आई थी जो कि मेरे से गिर के टूट गई है, देखो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखो भाई इसमें ब्लशर थे, और आई शेडो के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये देखो भाई ये गिर के टूट गई मेरे से, देखो आई एम सो सैड कि इतनी कॉस्टली थी ये, और जब भी टूट के गिर गई, क्योंकि भाई ये वैसी थी कंपनी की है, मैंने लोकल नहीं ले रखी है, तो ये देखो भाई ये थोड़ा थोड़ा ब्लशर बच गया, नहीं तो बहुत साल यूज़ होती है। अभी ये इसमें से तीन तो दो तो बिल्कुल फिनिश के वही है, बस ये रहता है इसमें, बस यही है अब काम ही काम चलना है, तो देखते भाई नेक्स्ट कब मंगाऊंगी। तो वैसे ये बहुत अच्छी पैलेट है, बहुत अच्छी थी, मैंने यूज़ किया था इसे, देखो ये लिखा हुआ आई शेडो और हाइलाइटर, आप इसे एक कलर है इसके अंदर, आप भी इसे परचेज कर सकते हो फेशियल न्यू गर्ल, बहुत अच्छी थी, मतलब ये FNG की है, बहुत प्यारी थी। और ये वाली है जो भाई मैं आपको कहती हूँ, मैं तो ये लैक्मे की क्रीम ही यूज़ करती हूँ मैं बेसिकली, अगर प्राइमर यूज़ करके इसे कर लो तो बहुत हो जाता है भाई, अगर हमें ज़्यादा नहीं करना है तो कुछ मेकअप। और ये मेरी है भाई ये वाली जो लिपस्टिक है ये वाली, देखो भाई ये है सुपर स्टे मेट लिंक मेबेलिन की है, अगर आप इसे फुल टाइम स्टे कर सकते हो इसे बिल्कुल, खाना खाने के बाद ये कहीं भी नहीं उतरेगी आपके, कहीं भी नहीं जाएगी, बल्कि नेक्स्ट डे तक भी लगी रहती है ये, बट भाई मैं तो इतनी ज़्यादा प्रेफर करती नहीं हूँ क्योंकि इनमें केमिकल ज़्यादा होता है और मेरे को हो जाती है एलर्जी स्किन पर। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नीचे लगा के, मैं तो नीचे लगा के कुछ तब इसे ऊपर लगाती हूँ ताकि भाई डायरेक्ट मेरे लिप्स पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो भाई आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो और वैसे भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छी है वैसे ये कि भाई हम फुल टाइम स्टे करके कुछ भी खास के, ये नहीं हो कि भाई बार बार कभी कुछ उतर गया कभी कुछ उतर गया लिप्स पर, तो अच्छा नहीं लगता। और ये देखो भाई ये है जस्ट हर्ब्स की है, इसे मैं लिप्स पे लगाती हूँ पहले फिर मैं वो यूज़ करती हूँ, आप इसका प्राइस देख सकते हो। ये देखो भाई इसका मैं दिखाती हूँ, ये देखो भाई 695 की है ये, तो इसे मैंने पहले मैं लिप्स के नीचे लगाती हूँ फिर उसके ऊपर ये वाली लगा लेती हूँ। और एक ये शुगर की भाई ये भी बहुत अच्छी है रेड कलर में, ये दिखती छोटी पर बहुत प्यारी है, ये भी लगाने में काफ़ी लॉन्ग टाइम स्टे करती है ये। तो भाई मिलती हूँ मेकअप करने के बाद। तो भाई फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस बिंदी रहती है आज भाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं रेडी होने का, क्यों मेरी आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, पता नहीं रात से ही हो रहा है आज। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बाल भी यहाँ से ऐसे उठे हुए हैं कि मेरे हाथ में दर्द होने लग रहा है भाई, तो मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही, बस भाई मेरा हो ही चुका है, बिंदी लगा लेती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं कर रही आज मैं। तो भाई ये हो चुकी है मेरी बिंदी, फोन में ले लेती हूँ अपने दुपट्टा,
भाई इसके दुपट्टे तभी तभी सिकुड़ से जाते। तो भाई मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी, अब मैं चलती हूँ नीचे, आपको मिरर में दिख ही गया होगा। देखो भाई मैंने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया क्यों, आज मेरी आईज में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं और हाथ में भी। तो देखो भाई, और ये चिप्ड नेल पेंट ऐसे ही रह गई, मैं नेल पेंट चेंज नहीं कर रही क्यों, नेल पेंट भाई कितनी ही लगा लो, रोज लगाती हूँ फिर भी तभी उतर जाती है। तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ और करने का, तो चल के देखते भाई नीचे। मैं मूली के पराठों की तैयारी करके आई थी, तो मम्मी जी ने शायद चूल्हे पे बना रही होंगी, वैसे पराठे तो बना देती है, रोटी तो गैस पे ही बनती है। तो आज देखती हूँ मैं नीचे जाके बनाई है नहीं बनाई, नहीं बनाई होंगी तो मैं बनाऊँगी, तो आपको दिखाती हूँ। तो भाई मम्मी जी बना रही है नीचे पराठे मूली के गरम गरम, भाई हरियाणा के ठाठ। भाई चूल्हे का तो न्यारा ही मज़ा है, खान पीन का सब क्या ही करना, बीमारी हुए हैं भाई आजकल हो गए हैं शहर में, भाई कैसा कि चोचले बड़कन आती है चूल्हे पे बनानी रोटी, भाई आनी चाहिए। पर भाई बात है आजकल बड़का की पढ़ाई इतनी हो रही, पढ़ाई लिखाई कि कौन आते भाई बड़कन है। तो मम्मी जी लाग रही भाई बात करन, ये पराठे बनान, मौसे जी बनाने लगी भाई, मम्मी जी करे पापा जी का टिफिन पैक। भी देनी भी कौन आ रही भाई, ठंड नहीं होने लग रही, वो होगा काम में भी हो काम होने लगे। ड्रामा में क्या करे डाल के ना करना, करना। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आज का व्लॉग आपने किसा लगा, सारे मैंने आपका मॉर्निंग रूटीन दिखाया और बढ़िया तरीके भाई एक एक चीज़ दिखाई। तो भाई व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर चैनल ने सब्सक्राइब करा करो, न्यू हो तो भाई घंटी का बटन दबाया करो, हमारे अंदर भी सपोर्ट करो भाई सारे, सब भाई मेरा नहीं सपोर्ट करें, हमारे जिसे व्लॉग बनाओ मैं हमने कोई सपोर्ट नहीं करता, तो भाई हमने भी सपोर्ट करा करो, सारे बराबर होने चाहिए धरती। तो जिसका व्लॉग पसंद आ भाई उसने भी, तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।